जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों के इस वीडियो में बताने वाला हूँ होशियार फूड कोर्ट कलर के रिक्वायरमेंट 2024 ऑफलाइन फॉर्म। इसके बारे में मैं आप लोगों का हर एक डाउट इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ कि आप लोगों का कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज चाहिए और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए इस फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, आप 8वीं या 10वीं पास किए हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों का हर एक डाउट कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, ये बहुत ही सुनहरा मौका है हर बच्चे के लिए, ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10/10/2024 से ये फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है, मतलब ये फॉर्म आप भर के जाकर जमा कर सकते हैं। इसका लास्ट जो डेट है 30/10/2024 तक है। अगर इसके बीच में आप नहीं भरिएगा तो इसके फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट से, जो वहां से अप्लाई कीजिएगा वहां से आपका वापस दे दिया जाएगा। दोस्तों, फ़ी के बारे में बात कर लूँ तो इसमें आपका 1 भी रुपया फ़ी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि आप लोग का इसमें 1 भी रुपया फ़ी नहीं है। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग का एज लिमिट इसमें क्या रखा गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो एज लिमिट कितना रखा गया है, तो 18 ईयर से 37 ईयर के बीच में आपका एज रखा गया है। तो बहुत ही अच्छा इसमें एज रखा गया है आपका। आपका इसमें इसके अंदर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी हैं। तो दोस्तों, इसमें एज तो बहुत ही अच्छा रखा गया है, आप देख सकते हैं 18 से 37 ईयर के बीच में आपका एज रखा गया है, बहुत ही अच्छा एज है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के वैकेंसी के बारे में बात कर लूँ कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं क्लर्क जो है, क्लर्क में 30 वैकेंसी है। आपका ग्रेजुएशन पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन मेंशन कर दिया है और आप इसमें देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है। पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आपका इसमें 5 स्टेप से गुजरना होगा। दोस्तों, आप लोग का इम्पोर्टेंट ये बता दूं कि आपका इसमें कितना नंबर आएगा तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आप 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और आप 33 नंबर इसमें लाते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत ही कम कंपटीशन है, इस फॉर्म को आप अवश्य भरिएगा। दोस्तों, ये अपन देख सकते हैं टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का इसमें होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश नॉलेज से 50 क्वेश्चन और 30 नंबर लाइएगा तो आपका पासिंग मार्क्स है, और जनरल नॉलेज में 50 का क्वेश्चन पूछेगा और 30 में इसमें पासिंग है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों, इसमें बहुत ही कम कंपटीशन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा और इस फॉर्म को, मतलब इसमें बहुत ही कम कंपटीशन है। दोस्तों, इसमें आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसमें, इस फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब जो है कि आप कौन सा 10th की या 12th की या 8वां की उसका सर्टिफिकेट दिखाना है, डोमिसाइल दिखाना है, कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना है, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें लगने वाला है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट आपका लगने वाला, ऑल डॉक्यूमेंट को एक पिन में स्टेपलर से मारकर वहां जमा कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।